दीपक क्या कर रहे हो? अभी हॉस्टल दिखाना है। अरे भैया ये हॉस्टल ही तो है। ये हॉस्टल है? बाल्मर, यस आई लव बाल्मर। और इंटरलाकन का सबसे बेस्ट हॉस्टल है और सस्ता है, तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी कि यहाँ के हॉस्टल कैसे होते हैं, सस्ते, सुंदर, टिकाऊ। तो सिटी सेंटर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है ये हॉस्टल, लेकिन आपको बस पासेस जो हैं वो भी फ्री मिल जाते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है इस हॉस्टल से। हाँ तू चला है क्या? अरे कैसे चल रहा है यार, चला है क्या? एंड एंजॉयमेंट के लिए सब कुछ मिलेगा भाई यहाँ, सब कुछ। एंड कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कोई भी एरिया यूज कर सकते हो, कोई भी गेम खेल सकते हो। और कौन से गेम यहाँ पर नहीं है जस्ट आस्क मी, एक्चुअली सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। हम लोग भी रात में यहाँ पर लेटे हुए थे, एक सो रही है कोई झूले पे। ये क्या है? पानी, टैप वाटर। ये लोग ने बहुत प्रमोट किया है टैप वाटर, बेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। तो आप ये हॉस्टल इन्हीं की वेबसाइट से बुक कर सकते हो, बाल्मर्स हॉस्टल करके, जो कि थोड़ा आपको सस्ता पड़ेगा। हम लोगों ने जो हॉस्टल बुक किया था वो 2 रातों का 190 यूरो था, और हमारा ट्विन रूम था। तो यहाँ पर बहुत सारे बेड्स भी होते हैं, पर हम लोगों ने प्रेफर किया ट्विन रूम क्योंकि हमको वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। लेकिन आप उससे भी सस्ता बुक कर सकते हो, लाइक फ्रॉम 20 यूरो, जब मैंने वेबसाइट पर चेक किया उससे स्टार्ट होता है। एंड यू विल गेट दिस अमेजिंग अमेजिंग सारी ही चीज़ें, एटलीस्ट सारी चीज़ें। तो आप रहने पर तो इस तरीके के हॉस्टल प्रेफर कर सकते हो, और अगर अकेले आ रहे हो तो आपको बहुत सारे फ्रेंड्स मिल जाएंगे। वो गाय की घंटी तो अपन के मूवी ने कर दी, जो देखी होगी उस मूवी भी एलजे। हाँ मूवी ने कर दी, वही तो मैं बोल रही। घंटी घंटी ये अभी बंद है कोरोना के चक्कर में, ये देखो। ये है गेस्ट किचन, गेस्ट किचन में फ्रिज है, तो फ्रिज में जो भी सामान है वो रख सकते हैं अपना, स्लिप लगा के। टेबल्स है, टीवी है, और ये पूरा किचन है, इसमें सारा सामान है जो भी हमें खाना पीना बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। ये मैंने चाय बनाई थी अभी सुबह सुबह, माइक्रोवेव, सारी चीज़ें, और हमारी मैगी। यहाँ पर लोग जो भी बचता है वो रख जाते हैं ताकि दूसरे लोग आए वो यूज़ कर सकें। हम लोग ने कल मैगी यूज़ करी। ये हमारी चाय पत्ती रखी हुई है जो अभी हम चाय फिर से बनाएंगे। और ये ऐसा है, thank you।
वो हंस के चला गया तेरे बता फिर से करना रुक रुक कर 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 फिर से 1 2 3 ठीक है चल यू कैन ऑल्सो एंजॉय नाइट पार्टी पूल पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनसे पूछ लो रिसेप्शन पे जाके ये कौन सी पार्टी चल रही है सबसे इम्पोर्टेंट बात हमें कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हम घर के बाहर हम चाय बना रहे हैं हम कॉफी बना रहे हैं हम मैगी बना रहे हैं हमें जो खाना है हम वो बना रहे हैं कल हमने दाल चावल भी बनाया है मजा आ गया बहुत बहुत सही है व्यू बहुत अच्छा है आप मतलब डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट लोगों से मिलते हो बात करते हो टाइम स्पेंड करते हो ये वाली कॉफी बन रही है शॉवर जो है वो कॉमन है एंड ये रूम्स हैं सारे रूम्स के आगे ये शॉवर है ये वॉशरूम है वो वॉश बेसिन है और ऐसा भूल भुलैया जैसा है अभी हमें थोड़ा टाइम लगा ढूंढने में कि कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज़ कहाँ पर ये दीपक आ रहा है अभी देखो चेकआउट टाइम ये है Want to leave before 7 AM. Come to reception before 10 PM on your last night to arrange at early checkout. The checkout time is 7 to 10. Actually, हम लोग तो कल तो समझ ही नहीं पाए इसलिए हमने टूर नहीं दिया ये देखो ऐसे हर जगह ये है reservation area. ये rooms हैं सारे किसी में 2 बेड है 3 बेड है 4 बेड है 5 बेड है ये देखो लड़कियां लेटी हुई हैं ये वही शॉवर रूम है अभी देखो अभी ये कहाँ आ जाते हैं और रूम्स हैं ये देखो ये कितना सही एरिया है ये ये देखो ऊपर भी है कुछ हेलो योगा वगैरह ये बालकनी पूरा ओल्ड आर्किटेक्चर है एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है बहुत पुराना है ये आवर यूरोप फेमस हॉस्टल बेस्ट ट्रैवल एक्सपीरियंस गारंटी बाय स्टेइंग इन द फेमस होटल कल तो हमें रिसेप्शन एरिया ढूंढने में टाइम लग गया वो लॉन्ड्री रूम है देखो मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ जैसे अगर आपको वॉश करना है तो 5 फ्रैंक अगर आपको वॉश करना है तो ये इस टाइम पे कर सकते हो 5 फ्रैंक पे ड्राई करना है तो 5 फ्रैंक पे ये देखो ऐसे
इज ऑल्सो रूम, जब ये फुल होता है यहाँ पर इतने रूम्स बना के रखे हैं कि लोगों को बैठने की जगह नहीं होती, तो कितने प्लेसेस में बैठने हैं। और देखो मैं देखी ये एटीएम भी है, हॉस्टल के अंदर ही है एटीएम। लुक बिहाइंड, लुक हु इज बिहाइंड दिस विंडो, तो मैं ही हूँ। इट्स यू, योर स्पेशल गेस्ट एट बालमर। अरे वाह, ये देखो नोटिस बोर्ड, ये बालमर हॉस्टल। ओके, द अदर एक्टिविटी। ब्रेकफास्ट एरिया, गो वेयर यू फील मोस्ट अलाइव, मतलब कहीं भी तुम्हें जहाँ बैठना है बैठो। ये फ्री ब्रेकफास्ट है, जो नॉर्मल सा चीज़ है जो आप खा सकते हो। घोड़ा जा रहा है अभी बाहर। ये वाटर, माउंटेन वाटर अगेन विथ। यू नो गाइज, मैं आप लोगों को ऐसे अनएडिटेड वर्जन ऑफ हॉस्टल क्यों दिखा रही हूँ, बिकॉज यहाँ पर जो बैकपैकर्स हॉस्टल्स होते हैं या इस टाइप के हॉस्टल्स होते हैं, वहाँ पर लोग एक एक महीने रुकते हैं, और उसका रीज़न यही है कि यहाँ बहुत चिल एनवायरनमेंट होता है, आपको जो करना है आप वो करो। और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा टू शो द कल्चर, बिकॉज ऑफ कोरोना यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी गाइज, जब कोरोना नहीं होता तो ये पूरा पैक होता है लोगों से, लोगों की मस्ती से, लोगों के एक्सपीरियंस लोग एक दूसरे के साथ सुनाते हैं। तो वही मैं आपको चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देख के वो चीज़ें एक्सपीरियंस कर सकें। सब एंटीक रखा हुआ है इधर, इससे वो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए बात की। ये सब एंटीक मिरर्स हैं, ये शायद 40 तरीके के यूज होते हो। ये देखो एंटरटेन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए भी। टीटी टेबल भी है, स्मोकिंग रूम तो जादू है यार। हाँ यार, ये तो बार जैसा लग रहा है। पिच क्लब है, ये स्मोकिंग रूम है, कितना सर भाव। और ये बिकॉज स्मोकिंग रूम है इसलिए यहाँ पर कितने की है सिगरेट। ओके, 8.80 फ्रैंक। मुझसे तो सहन ही नहीं आते हैं। अब देखो यहाँ से दीपक निकल रहा है बाहर, ठीक है। बहुत सुबह घूम रहे हैं हम एकदम। ये बार है यहाँ का, यहाँ पर कल लोग अच्छा गर्ल्स गैंग जो है बैठ के मस्त पार्टी कर रहा था। ये पूरा है बैठने का, ये देखो चाय, चाय पीते हैं यहाँ का। देखना कुछ होता नहीं है। और फिर यहाँ जकूजी, और ये देखो
लीव अ मैसेज, कोई भी मैसेज है वो छोड़ सकते हो। चलो इट्स ब्रेकफास्ट टाइम नाउ। सो गाइज इट्स ब्रेकफास्ट टाइम नाउ। दीपक जा रहा है बिकॉज आई डोंट नो, या तो बहुत जल्दी हम लोग उठ गए या ऑलरेडी सब लोग ट्रैकिंग पे जा चुके हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है, एक दो लोग दिख रहे हैं। तो हम लोग अभी कॉर्नफ्लेक्स वगैरह खाएंगे। तो गाइज हम लोग जो ट्रिप है दिस टाइम देसीज इन स्विट्जरलैंड, ये सीरीज का नाम है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको हैशटैग करो ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोग इस पर्टिकुलर प्लान को फॉलो कर रहे हो या नहीं, या हमारी सीरीज को फॉलो कर रहे हो या नहीं। तो हैशटैग देसीज इन स्विट्जरलैंड करके है जो हमने नाम सोचा है। और आज की शुरुआत बिल्कुल होने ही वाली है थोड़ी देर में, जैसे ही हम लोग पिज़्ज़ा खाएंगे। एंड हम लोगों के साथ आप एकदम लोकल, जैसे लोकल प्लस देसी दोनों के मज़े ले सकते हो, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी का थोड़ा बहुत कल्चर जो है वो सेम ही है। यहाँ पर भी सब लोग जो हैं वो जर्मन बोल रहे हैं, सुपरमार्केट्स में लोग जर्मन बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा जो कल्चर वगैरह है वो सेम है बिकॉज बॉर्डर जो है वो जर्मनी है। बट जब हम आपको इधर के प्रोस्पेक्टिव से भी बता पाएंगे और इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से भी बता पाएंगे, है ना दीपक? यस यस। भागेल ओनो इट भागेल एलिस एलिस एरोमेन इंडियाने जे देसी। As I told you, food जो है वो बहुत expensive है, तो हमने वहीं cook किया। वहाँ पर बहुत सारे लोग जो थे वो भी cook कर रहे थे, तो आप लोग share कर सकते हो खाना, जो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पर जो लोग रुके हुए थे वो पूरा पूरा दिन hostel में ही रह रहे थे और book पढ़ते थे या अपनी activities करते थे। But because हम लोग 3 दिन के लिए आए थे, तो हम लोग सुबह निकलते थे खा पी के और सीधे रात में आते थे, और उसके बाद यहाँ की जो नाइट पार्टी होती है, जो क्लब पार्टी होती है, वो अटेंड करते थे। तो ये था हमारा शेड्यूल इस हॉस्टल का। और अगर आप सोच रहे हो ये हम किसी बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, तो नहीं, ये हमने खुद ने कुक किया हुआ है। लाइक जो फ्रोजन मटेरियल होता है वो लाके और बेक किया हुआ है, और हम लोग अपने हॉस्टल में ही खा रहे हैं। तो भी क्या कर रही हो? और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो और बर्तन यूज करो तो उसे धो के और अपनी प्लेट पर रख दें। सो गाइस स्विट्जरलैंड का इंटरलाकेन का हॉस्टल जिसका नाम है बाल्मर्स हॉस्टल, वो ऐसा है। आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियरली बताया हो कि हॉस्टल्स कैसे होते हैं, और ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आया हो कि हॉस्टल और होटल में डिफरेंस क्या होता है। होटल में ऑब्वियसली आप रुके होंगे, पर हॉस्टल इन यूरोप कैसे होते हैं और उसका कल्चर कैसा होता है वो समझ में आया हो। अगर हाँ तो नीचे कमेंट करना, और अगर इस पर्टिकुलर ट्रिप को फॉलो करो तो देसीज इन स्विट्जरलैंड ज़रूर हैशटैग करना। और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलना, ताकि मैं आपको सारा जो भी लाइफस्टाइल है हमारा वो बता सकूँ, ट्रैवल जो हिडन प्लेसेस हैं वो बता सकूँ, और एक्चुअल लोकल कल्चर यूरोप का बता सकूँ।